वज़ीरेक्स के फंड्स रुके हुए हैं, आपने देख लिया होगा अभी तक ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं हुई है। ट्रेडिंग तो कहाँ स्टार्ट होनी, हमारे जो क्रिप्टो एसेट्स हैं वो भी नहीं है, और इसी के साथ हमारी जो INR में अमाउंट पड़ा था वो भी हमें नहीं मिल रहा है। तो वज़ीरेक्स के ऊपर अभी हमारा फंड जो 66% लगभग मिल चुका है, बाकी का बचा हुआ अभी तक नहीं मिला है। तो यहाँ पे इन्होंने रीजंस बताए हैं कि ये अब हमें अभी बाकी का फंड क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों अभी तक नहीं दिया जा सकता, जो कि कुछ इन्होंने रीजंस दिए हैं, मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि वैलिड नहीं लग रहे हैं कि हमारा ही पैसा है, हमारा पैसा ये होल्ड कर रहे हैं, और वो भी INR वाला पैसा होल्ड कर रहे हैं। अगर क्रिप्टो करेंसीज हैक हुए हैं तो हैक हुए भी इनको ही वापस करने चाहिए, लेकिन INR तो इनका होल्ड करना बनता ही नहीं है किसी भी तरीके से। लेकिन कारण क्या है वो हम जानने की कोशिश करेंगे, क्या ये वैलिड है या नहीं ये आप ही मुझे बताना, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर पूरा हिंदी में बताने की कोशिश करूँगा। तो लगभग 66% की लिमिट थी कि 66% अमाउंट आप अपना निकाल सकते हैं, जो 66-67% के आसपास बन रहे हैं, जो कि इन्होंने पूरा पूरा हमें विड्रॉ करने का मौका दिया है। और जो ओरिजिनली 9 सितंबर को अवेलेबल होना था, लेकिन पहले ही 3 सितंबर को ही अवेलेबल कर दिया गया था, लेकिन मैं इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं मानता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि 100% ही मिलना चाहिए। लेकिन थोड़ा अभी डिटेल में जाएंगे कि ये होल्ड बाकी का बचा हुआ क्यों किया हुआ है, तो वीडियो को पूरा देखते रहना। वॉल्फ ट्रेड पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। टेलीग्राम वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जहाँ पे हम सारी अपडेट साथ के साथ डाल रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक भी अपना जो 66% अमाउंट बचा है वो अभी तक नहीं निकाला है तो जल्द से जल्द निकाल लो, क्योंकि ऑलरेडी हम एक बड़ी गलती तो यही कर ही चुके हैं कि हमने INR या फिर क्रिप्टो करेंसी वज़ीरेक्स के ऊपर रखा था। क्रिप्टो करेंसी तो गए ही गए हैं, लेकिन INR का अमाउंट भी वहीं पर फंसा हुआ है, जो कि अभी लगभग 33% अमाउंट वहाँ पर फंसा हुआ है, वो तो हम निकाल नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो अवेलेबल है जितनी जल्दी हो सकता है निकाल लो, क्योंकि कोई भरोसा नहीं आगे आने वाले समय में शायद ये भी वापस ना मिले। अब हम देखते हैं कि कुछ इन्होंने बोला था कि अपने सवाल दो, ये 19 सवालों का जवाब देने वाले हैं, तो अभी सवाल और जवाब दोनों सामने आ चुके हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ट्वीट किया है जिसके ऊपर सारी डिटेल दी गई है कि एक मॉरेटोरियम एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आए थे, जितने भी क्वेरीज आए थे, उनके आंसर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड द मॉरेटोरियम एप्लीकेशन टू द हाई कोर्ट ऑफ सिंगापुर एंड व्हाट स्पेसिफिक रिलीफ इज बीइंग सॉट, कि हाई कोर्ट ऑफ सिंगापुर में वहाँ पे ऐसा क्या चल रहा है, ऐसी क्या एप्लीकेशन चल रही है कि इन्होंने इतना हमारा जो अमाउंट भी रोक लिया है। तो यहाँ पे मॉरेटोरियम का खुद में ही मतलब यही है कि एक्टिविटीज़ रोक देना, एक ऑफिशियल एग्रीमेंट करके जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको टेम्परेली स्टॉप कर देना, जो हम ऑलरेडी देख पा रहे हैं। तो ZTAI ने ही ये अप्लाई किया है कि मॉरेटोरियम किया जाए, ताकि यहाँ पे क्रिप्टो बैलेंसेस को लेकर कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाला जाए। इस मॉरेटोरियम के द्वारा क्या है कि ZTAI को टाइम मिलने वाला है नेगोशिएट करने के लिए इन्वेस्टर्स के साथ और यूज़र्स की रिकवरीज को इम्प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पे जो ZTAI कंपनी है ये मॉरेटोरियम क्यों ले रहे हैं इसका भी इन्होंने पूरा डिटेल में बताया है, ताकि ZTAI को वाइंड अप ना करना पड़े। ये सबसे पहला रीज़न दिया गया कि ऐसा कोई रेजोल्यूशन पास ना हो जाए कि जिससे क्या है कि जो मेन कंपनी है उसी को ही अभी वाइंड अप ना करना पड़ जाए, उसी को ही बंद करना ना पड़ जाए, क्योंकि उसी में हमारे फंड्स फंसे हुए हैं। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये है कि कोई भी प्रोसीडिंग्स यहाँ पे कमेंस ना हो जाए या फिर ZTAI के अगेंस्ट ना चलें। तीसरा पॉइंट ये है कि ताकि कोई भी एग्जीक्यूशन ना हो, डिस्ट्रेस ना हो, लीगल प्रोसेस ना हो ZTAI की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट। यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली यही बोला है कि ये प्रोटेक्ट करने वाले हैं ZTAI को, ताकि प्लेटफॉर्म के यूज़र्स के लिए एक जो सोल्यूशन ढूंढा जा रहा है उसके लिए एक वक्त मिल जाए। अब आता है दूसरा प्रश्न, यहाँ पे दूसरा प्रश्न ये है कि वाई शुड यूजर्स बेयर द लीगल कॉस्ट एसोसिएटेड विद द साइबर अटैक एंड रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस। अब ये वही सवाल है जो हम सभी पूछ रहे हैं कि हमारा ही पैसा फंसा हुआ है, कि हमारा ही पैसा क्यों यूज़ किया जा रहा है रीस्ट्रक्चरिंग के लिए, लीगल कॉस्ट के लिए हमारे पैसे को क्यों यूज़ किया जा रहा है, वो हमें वापस क्यों नहीं दिया जा रहा। तो इसका भी जवाब इन्होंने यहाँ पे दिया है कि जितना भी कॉस्ट एसोसिएटेड है रीस्ट्रक्चरिंग में, जिसमें जो ऑपरेशनल कॉस्ट होने वाला है वज़ीरेक्स प्लेटफॉर्म का, कॉस्ट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग और या बाकी जितनी भी लीगल प्रोसीडिंग्स हैं, जितनी भी कॉस्ट एसोसिएटेड है इन्वेस्टिगेशन में, ये सारे के सारे यूज़ यहाँ पे होने वाले हैं, ताकि हमारे जितने भी स्टोलन एसेट्स हैं उनको रिकवर किया जाए। ऑपरेशनल कॉस्ट चाहिए ताकि वज़ीरेक्स प्लेटफॉर्म को लाइव रखा जाए, एफिशिएंट स्कीम वोटिंग प्रोसेस चले, सब्सिक्वेंट डिस्ट्रीब्यूशन हो, और जो यूज़र रिकवरी है वो सही ढंग से कर पाएँ, जिससे क्या कि रीस्ट्रक्चरिंग भी होने वाली है। और ऑपरेशनल के साथ साथ जो दूसरी कॉस्टिंग लीगल कॉस्ट की ये बात कर रहे हैं, वहाँ पे भी रीस्ट्रक्चरिंग और लीगल प्रोसीडिंग ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि ये जितने भी फंडिंग लग रही है, जितना भी कॉस्ट लग रहा है, ये सारी की सारी फंडिंग ZTAI के द्वारा ही आएगी, और ZTAI यहाँ पे एक्टिवली वर्क कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपने ये भी चीज़ देख ली है कि साफ इन्होंने बोल दिया कि हाँ ये आप यहाँ पे फंड्स बहुत ज़्यादा चाहिए, कॉस्ट लगती है, इसलिए आप फंड्स बहुत ज़्यादा चाहिए तो हम आपके फंड्स को यूज़ कर रहे हैं, जो कि अपने आप में कोई खास मतलब तो नहीं बना पा रहा है। आप क्या कहना है एक बार नीचे कमेंट ज़रूर करना।
अब यहाँ पे तीसरी चीज़ भी यहाँ पे बताइए कि व्हेन कैन वी एक्सपेक्ट ट्रेडिंग इन क्रिप्टोस टू रिज्यूम। हालांकि कोई भी नहीं चाहता कि वज़ीरेक्स के ऊपर ट्रेडिंग चले ना चले, कोई भी नहीं चाहता कि वज़ीरेक्स के ऊपर दोबारा ट्रेडिंग करे, लेकिन सबका मानना यही है कि अगर रिज्यूम होती है तो शायद हमारे एसेट्स वापस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने आंसर इसका ये दिया है कि रिस्ट्रक्चरिंग प्रपोजल जैसे ही अप्रूव हो जाएगा क्रेडिटर्स के द्वारा या फिर हाई कोर्ट ऑफ सिंगापुर के द्वारा, तो ज़ेटाई क्या है कि वो अपने क्रिप्टो करेंसी के विड्रॉल्स को रीओपन कर सकता है। और यहाँ पे बोला हुआ है कि ये 6 महीने तक का समय लग सकता है, यानी कि पहले भी 1-2 महीने तो निकल ही चुके हैं, 2 महीने, अभी 6 महीने का और समय बोल रहे हैं कि इतना लग जाएगा ताकि हम अपनी क्रिप्टो करेंसीज के विड्रॉल्स ले पाएँ। और ट्रेडिंग तो चलेगी नहीं, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ये रीएनेबल सिर्फ तभी होगी जब सक्सेसफुल रीस्ट्रक्चरिंग एंड स्कीम हो जाएगी। अब आपने खुद ही देख लिया कि यहाँ पे लगभग पूरा लॉस हो चुका है क्रिप्टो करेंसी एसेट्स का, 6 महीने तक हम इनका कुछ भी नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे कंपनी हमें इसके बदले में कुछ नहीं देने वाली है, देना तो क्या लेकिन उल्टा हमसे ही लिया जा रहा है, हमारा ही पैसा यूज़ करके कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, हमारे पैसे को यूज़ करके यहाँ पे ऑपरेशनल कॉस्ट को कवर किया जा रहा है, लीगल कॉस्ट को कवर किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ना तो ऑपरेशनल कॉस्ट होना चाहिए ना लीगल कॉस्ट होना चाहिए, किसी भी तरह का कॉस्ट यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए किसी भी यूज़र के सर पे, हमारे कंधों पे नहीं चलना चाहिए वज़ीरेक्स, जो इतने लंबे समय से बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाता आ रहा है, इतने प्रॉफिट्स हमारी ट्रेडिंग के द्वारा ही अर्न किए हैं इन्होंने या फिर हमने जो भी होल्डिंग्स बना के रखी हैं। लेकिन अभी इन्होंने बोला था कि जो प्रूफ ऑफ रिजर्व्स के हिसाब से इनके पास पूरे रिजर्व्स पड़े हैं, वो रिजर्व्स पड़े थे या नहीं पड़े थे आप अभी सामने देख सकते हैं कि क्या हमारे साथ हो रहा है, कि हम अपनी ट्रेडिंग तो क्या ही करेंगे लेकिन अपने एसेट्स को ही विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, जो ये बोल रहे हैं कि 6 महीने तो इसमें ही लग जाएंगे, 6 महीने वो तो लगेंगे ही लेकिन जो हमारा किसी गरीब का INR पड़ा होगा या रखा होगा वो भी पूरा नहीं निकला है, अभी 66-67% ही निकाल पाए हैं, बाकी का जो बचा है लगभग 33% वो भी अभी बाहर नहीं आएगा, तो उसकी भी कोई फाइनल न्यूज़ नहीं है क्योंकि ये उसी अमाउंट को यूज़ करने वाले हैं, उसी अमाउंट को यूज़ करके यहाँ पे ज़ेटाई या वज़ीरेक्स इसको संभालने वाले हैं, इसका ऑपरेशनल कॉस्ट लीगल कॉस्ट को कवर करने वाले हैं, जो कि बहुत बहुत गलत है, शायद ये किसी भी तरीके से सही नहीं है, कायदे से बिल्कुल भी सही नहीं है कि यूज़र्स के फंड्स को यूज़ करना और वो भी इन चीज़ों के लिए। अब लॉस हुआ है इन्हीं की वजह से हुआ है, यानी कि इनकी ही कमी थी, उसमें कोई हमारी कमी नहीं थी कि हमें यहाँ पे किसी भी तरह की पनिशमेंट दी जाए। एक तो ऑलरेडी हम इतना पनिश तो हो ही चुके हैं कि हमने वज़ीरेक्स को यूज़ किया, हालांकि वज़ीरेक्स सबसे ज़्यादा एक ट्रस्टवर्दी एक्सचेंज था जिसके ऊपर सभी ट्रेड करते आए, और यहाँ तक मेरे जैसे और भी कई लोग होंगे जिन्होंने INR भी रखा हुआ था सिर्फ यही सोच के कि यहाँ पे जब कॉइन्स अवेलेबल होते तो हम यहीं पे ही बाय कर लेंगे ताकि यहाँ पे सडनली बाय करने की ज़रूरत या फिर INR को डालने की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन वो भी पॉसिबल तो क्या ही होना था, हमारा INR ही फंस गया। तो अभी फिलहाल कोई सलूशन दिख नहीं रहा है, साफ साफ 6 महीने तो वेट करना ही पड़ेगा, लेकिन आपका क्या मानना है नीचे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, और इसी के साथ हमारे चैनल वॉफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हमेशा पहुँच रहे। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।